Flawless. हेलो पुलिस हो तो कुछ भी करो क्या है? सर कैसे इंट्रोगेट करना है तुम जानते हो ना? हाँ सर। तुम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी सर। ओके ओके सर। अंदर है क्या? जी हाँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आया हीरो, जिस काम के लिए गए थे वो सब हो गया ना? बैठो। समझ में नहीं आ रहा है सर क्या पूछ रहे? तो तुमको अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा, है ना? समझाओ तो पता चलेगा। आहा, थोड़ी देर पहले तुम कहां पर जाकर आए हो? ऐसे देख रहे हो जैसे तुम कुछ किया ही नहीं हो। स्टार होटल में पब्लिक के सामने एक लड़की को मार पीट के लाए हो, ऐसी कौन सी गलती की है? लड़की नहीं, लड़का। ठीक है, जेंडर की चिंता छोड़ो, बताओ और क्या क्या किया था? और कुछ नहीं किया था। अच्छी तरह से सोचकर बताओ। हाँ सर, एक्यूज को अरेस्ट करते वक्त बीच में कोई टांगड़ा है तो यही होगा ना? बताइए, मेरी जगह आप भी होते तो यही करते सर। ठीक है, वो सब छोड़ो, वहाँ सिर्फ यही किया था? वहाँ काम करने वाले दो स्टाफ को तुमने मारा नहीं था क्या? स्टाफ के नाम पर 10 गुंडे रखते हैं, वो दोनों उसी में से ही थे। ओ, तो वो लोग गुंडे थे। ओके, वहां पर बस यही हुआ था ना? एक लड़के ने तुमसे बात की थी ना? ए, रुको रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, उसने तुमसे क्या कहा था? वहां डिस्को साउंड में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अरे मैं भी डिस्को थक गया हूँ, वहां की हुई बातें सुनाई देती हैं। और उसने क्या कहा था? किसके फंक्शन में आके तू लफड़ा कर रहा है, तुम्हें पता नहीं? सिर्फ एक फोन से तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। तुमने जिस लड़के को मारा है उसे सर पे 16 टाके आए हैं और वो आईसीयू में एडमिट है। वो लड़का 15 साल का होगा, वो क्यों ड्रिंक पार्टी कर रहा था? उसके कोई रिश्तेदार का फोन आए तो उसको समझाने के लिए बोल दीजिएगा। तुम तो मुझे अच्छे से समझा रहे हो पर मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ। तुम पर एक्शन लेने के लिए मुझे ऑर्डर दिया गया है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बताओ, टेल मी। आप बिंदास एक्शन लीजिए सर, आपने ऐसा किया तो मैं जवाब देने से तो बच जाऊंगा। नहीं, लीजिए बिंदास लीजिए सर। नो 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 गुरु, जज्बात में आके कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ। इधर आओ, बताओ क्यों ऐसी हरकतें करते हो? शहर में 10,000 पुलिस वाले हैं, सबका काम तुमने अकेले करने का ठेका ले रखा है क्या? तुम सिर्फ अपना काम करो। तुमने पकड़े हुए अपराधियों को अगर उन सबको कोर्ट में पेश किया होता तो तुम अच्छी पोजीशन पे होते। सोचो आज तुम कितनी बड़ी पोजीशन पे होते। सर चाहे पर क्या करे, तुम्हें तो जोश में आकर सबको गोली ही मार देनी है और अच्छी पोजीशन हाथ से निकल जाती। ये जरूरी नहीं कि अच्छी पोजीशन मिले। हाँ? मेरे लिए ये पुलिस की वर्दी ही काफी। इस सिटी में लास्ट 6 मंथ से स्कूल में पढ़ रही लड़कियां बहुत गायब हो रही हैं। मेरे पुलिस स्टेशन में भी 5-6 कंप्लेन आई हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने की छूट दी हुई है, ऐसा होने के बावजूद भी भंगार की दुकान में कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया? उनको ये हथियार इतनी आसानी से कहां से मिल जाते हैं? और उनके पीछे कौन है, कौन देता है उन्हें हथियार? मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। पिछले महीने मैंने 10 अपराधियों को पकड़कर आपके बोलने पर कोर्ट में पेश किया था और जज ने फैसला सुना दिया। क्या हो रहा है, सब अपराधी बच के निकलते जा रहे हैं। अब हमारे कमिश्नर साहब का हम पर प्रेशर बढ़ रहा है,
और अब सबको जल्दी पकड़ने के लिए कहा गया। आपने मुझे 3 बार फोन पर डांटा। इस मामले में मैंने अभी एक को अरेस्ट किया। बहुत जल्द उस गैंग को मैं आपको हैंडओवर करूंगा। क्या बोला? तू मुझे हैंडओवर करेगा? गुरु, तू जो भी कर रहा है मैं गलत नहीं कर। द वे यू हैंडल, तुम्हारी ये स्टाइल मुझे पसंद है। हो गया आपका, अब मैं जा सकता हूँ। क्यों? फर्ज बुला रहा है। फर्ज के चक्कर में कल कौन सा दिन है ये मत भूल जाना, फिर घर पर मैं जवाब नहीं दूंगा। अपने प्रिया का बर्थडे है ना, मैं नहीं भूलूंगा और आप भी मत भूलना। मुझे तो आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मेरी नजरों में तो आप ही मेरे पिता हैं। सर, मैंने इसे बहुत मारा, फिर भी ये अपना मुंह नहीं खोला। ये क्या कर लेता है देखता हूं। साथ मिलकर तू भी जेल से भागा है, लेकिन तुझ पर एक छोटा सा केस बना, वो सब मैं संभाल लूंगा। अगर वो लोग कहाँ हैं ये मुझे बताया तो तू यहाँ से भी छूट जाएगा। कुत्ता ज्यादा से ज्यादा कहाँ भागता है, किसी न किसी खंभे के पास टांग उठाकर खड़ा ही हो जाता है। वैसे ही वो लोग कहाँ छुपे होंगे? झोपड़पट्टी में ही छुपे होंगे, जाकर ढूंढ लो। मैं कौन सी झोपड़पट्टी में? पीसीआर रोड पर निलंग रहा है झोपड़पट्टी में। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। अपराधी भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देख रहा होगा, अगर किसी पर भी शक हो तो तुरंत वैन में चढ़ा दो। मूव।
पुलिस फोर्स आ गई, हम यहाँ से चलते हैं। सर, डॉग के सुनी हुई जगह पर एक टायर का निशान, बारिश के कारण हम उस निशान को ट्रेस नहीं कर पा रहे। सर, सिटी में भी किडनैपिंग डेथ ज्यादा हो रही है, किसी साइको किलर का काम है क्या ये बताइए सर, या फिर ये बलि देने वाले गैंग का काम हो सकता है। सर, अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, पोस्टमार्टम होने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट आने दीजिए, तब मैं आप लोगों को इस बारे में बता सकता हूँ। सर, 13-14 साल की जवान लड़कियों की मौत हुई, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुनिए मैडम, जैसे आप यहाँ पे आए हैं वैसे हम भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर क्या हुआ है ये कैसे पता चले? इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं आप सभी को सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। और मौत होने का तमाशा देखेंगे सर आप? क्या करते हो तुम? सिर्फ माइक पकड़ के सवाल कर सकते हो और क्या कर सकते हो? सामने गुस्सा मत करो सर। सॉरी, अब से इस शहर के किसी भी कोने में कोई गलती नहीं होगी, अगर हुई तो हमारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। ओके, तमाम लोगों को पुलिस ये सूचना दे रही है कि सभी लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं ही करें, सब सावधानी। ये क्या, एमएलए एमपी को बुलाना चाहिए, इस बार मंदिर की पूजा के लिए इंस्पेक्टर गुरु को बुलाया है। ए, अपना तुम मुंह बंद करके रख, झोपड़पट्टी में खुशी बनी रहे इसलिए पूजा करवा रहे हैं ना। आज ये झोपड़पट्टी सही सलामत है तो वो इंस्पेक्टर गुरु की वजह से। ऐसा है क्या?
सजा ले खुशियों के सपने, मांगी दुआएं जुरब से, मांगी जुरब से। हाँ, दिल की तमन्ना होगी हाँ पूरी, गाएंगे मिलके हम मन से, गाएंगे मिलके हम मन से। बस वो नहीं पाएगा हमसे जो टकराएगा, जो तेरा साथ हो फिर क्या है गम, होगी हमारी ना हिम्मत ये कम। यारों के यार है दुश्मनों के दुश्मन है, करना है जो हमको कर जाएंगे। आया था जाने खुशियों के सपने, मांगी दुआएं जो रब से, मांगू दुआएं मैं तेरे लिए रब से, सारी भलाई तेरी मिट जाए रे झट से। खुशियाँ रहे तेरे साथ हरदम, नजरें बुरी रहे दूर तुझसे। हमें डरना नहीं है किसी से, ऊपर वाला है अपने साथ, ऊपर वाला है अपने साथ, ऊपर वाला है अपने साथ, अपने साथ। आओ आओ हम सब मिलके गाए हाथों में रख के हाथ। अपनी दुनिया है अपनी है मस्ती, क्यों कर फिर हम किसी से डरे। चाहे हम वो जो यारों कर जाए, मिलके चल हम ऐसा कुछ करें। जो तुम हो तो हम हैं, तो हम हैं, ऊपर वाला साथ है। हम जिसके हैं वो मेरे हैं, हम सबके सबके हैं। आया सजा ले खुशियों के सपने, मांगी दुआएं जो रब से। हाँ सबकी जय हो, हाँ उनकी जय हो, हाँ सबकी जय हो, हाँ उनकी जय हो। आँखों में सपने हैं, दिल में है हिम्मत, मंजिल की ना है फिकर, 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 मंजिल की ना है फिकर। जीवन तो जीवन है, जीवन सफर में आए कैसी भी जो डगर। दिल में हाँ, मन में हाँ, दोनों में हाँ, दोनों में है जो उमंगे भरी। दिल में हाँ, मन में हाँ, दोनों में हाँ, दोनों में है जो उमंगे भरी। चारों दिशाएं चारों तरफ है, चारों तरफ है हम सबकी एक हुंकार। चारों दिशाएं हैं, चारों तरफ है हम सबकी एक है हुंकार। आया सजाने खुशियों के सपने, मांगी दुआएं जो रब से, मांगी जो दुआएं रब से। आया सजाने खुशियों के सपने, मांगी दुआएं जो रब से, मांगी दुआएं जो रब से। बच वो नहीं पाएगा हमसे जो टकराएगा, जो तेरा साथ हो फिर क्या है गम, होगी हमारी ना हिम्मत ये कम। यारों के यार है दुश्मनों के दुश्मन है, करना है जो हमको कर जाएंगे। मैं तुम सब लोगों को दवाई देती हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ, तुम तो एक डॉक्टर हो और दवाई खाने से डरती हो। ये लो दवाई खाओ। ये नहीं चाहिए मुझे, तुम स्कूल नहीं, पहले आप दवाई खाओ तब मैं स्कूल जाऊँगा। मेरी बात नहीं मानोगे? नो, डॉक्टर की बात को पेशेंट को मानना चाहिए। देख, तू नहीं मानेगा, पानी दो मुझे। देख, खा रही हूँ। क्या रे, खा लिया ना, चैन मिला ना तुझे। लग रहा था फिर भी जीत गए। चल चल जल्दी बॉल डाल। आ,
संभाल के खेलो। अरे भगवान, ये भी ना बार बार चौकअप हो जाता है। जाएगा सोचा था, लेकिन इस तरह ड्राइवर बनकर जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। चाहने के लिए किस्मत की जरूरत नहीं होती, लेकिन पाने के लिए किस्मत की जरूरत पड़ती है, और वो मेरे पास नहीं है। चलता हूं दोस्त।
क्यों लेट हो गए हैं? वो कार रेडी करने। तुम लेट हो जाओगे तो कैसे चलेगा? सब लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे, सत्य अब तक क्यों नहीं आया? बोलो। मैं आ गया ना मामा जी, सब संभाल लो। जा जा कर काम कर, जल्दी जा। ये कौन है, आपका रिश्तेदार है क्या? ये मेरी बहन का लड़का है। अरे आपके घर में लड़का था, फिर आपने बाहर का लड़का क्यों ढूंढा? हाँ ठीक है, इस लड़के में क्या खराबी है? अरे क्या बोल रहे हो, वो कार मैकेनिक है, मैं अपनी लड़की कैसे दे दूँ? यही बात है, अगर ये पैसा वाला होता तो आप थोड़े ही ना उसे छोड़ते। हाँ भाई, इसे कहते हैं साथ। अरे मामा जी, मामा जी, अरे यहाँ पर क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? वहाँ दूल्हा आ गया है। हाँ चलिए, चलो चलो। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए। गोलियां खा गई? एक दो तीन चार, ये तो आठ है, बाकी दो गोली कहां गई? खाली है। पागल हो गई हो क्या? पहले गोलियां फेंक दी, अब ऊपर से सवाल भी करते हो, अब मैं कैसे मरूंगी? एक दूंगा ना खींच कर। तो मारो ना खींच कर, अब तो कुछ करो। तेरी परेशानी क्या? लोग जीने को तरसते हो, तुम मरना चाहती हो? तुम्हें यहाँ किस चीज की तकलीफ है? आखिर क्या कमी है तुम्हें? मामा जी तुम्हारी शादी धूमधाम से करवा रहे, फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तेरी परेशानी क्या है? क्योंकि मैं किसी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जी कर क्या करूँगी? क्या प्यार करती हो तुम सच में? मैं उससे शादी करके पूरी जिंदगी खुशी से जीना चाहता था, लेकिन मेरी ये चाहत अब शायद कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मैं उसकी खुशी में ही खुश हूं। पहले आंसू पोछो, मैं कह रहा हूं ना आंसू पोछो। वो कौन है बताओ, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। क्या कर रहा है ये सब, क्यों खराब कर रहा है? आपको पता नहीं की बात क्या है? नहीं क्या है बताओ। तो दहेज में दी गई अंगूठी गुम हो गई है, उसे ढूंढो। 2 लाख की अंगूठी गुम हो गई और तू मुझे आराम से बता रहा है? दूल्हे को दहेज में दी गई अंगूठी गुम हो गई है, सब लोग ढूंढो। क्या हीरा की अंगूठी गायब हो गई? ये क्या हुआ, 2 लाख की अंगूठी गुम हो गई? अरे पापी लोग, उस अंगूठी के लिए मैंने हाँ कहा था। देखा, मंडप से दुल्हन भाग जाए तो भी ये लोग देखेंगे भी नहीं। अब ये लोग अंगूठी ढूंढने के ही चक्कर में रहेंगे। चलो हम इस मौके का फायदा उठाते, चुपचाप चलो। चाची जी जरा अच्छे से अंगूठी ढूंढना, चाची जी जरा अच्छे से अंगूठी ढूंढिए ना। हाँ जरा अच्छे से अंगूठी। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, दूल्हे की अंगूठी ढूंढो। जाओ जल्दी 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 आओ। समझ में नहीं आता दूल्हे की अंगूठी कैसे गुम हुई। तुम चलो, तुम बाहर आओ जल्दी, चलो आओ जल्दी आओ। नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे नहीं जानता है। मैं जयसूर्या हूँ, जयसूर्या। अरे सूंघ के जानता हूँ कि अंगूठी कहाँ है। ये मेरी दुल्हन को लेकर कहाँ जा रहा है? ए, मेरी होने वाली पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है तू? ये लो। ए, अंगूठी है वो तेरी है। और ये लड़की? ये तेरी नहीं है। अच्छी बात। चलो तू क्या क्या बोल रहा है? ए, ए, सुन सुन, तू कहाँ जा रहा है? ए, ए, कहाँ भागा तू? ए, धोती, ए, मेरी धोती निकाल दे, मेरी शर्ट निकाल दे, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तलवार लेके तेरे पीछे आऊंगा, समझा? ए, दिव्या, मेरे सेलफोन में आउटगोइंग नहीं है, पहले तुम अपने फ्रेंड को इस पीसीओ से फोन करो, जाओ जल्दी।
अरे अब जल्दी भी जाओ। शक्ति हा? उसके घर पे कोई और फोन उठाएगा मुझे ऐसा लगता है, तुम पहले उससे बात कर लो ना। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, ये भी टाइम की कीमत नहीं जानती, अब ये तुम अटेंड कर लो। लो ए, उसका नाम क्या बोला था? आ? तुम्हारी तरह उसका नाम शक्ति है। शक्ति? हेलो शक्ति है क्या? नहीं, वो बाहर गए वो क्या है ना, मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ। फ्रेंड बोल रहे हैं? बोलिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। वाइफ हो? ये क्या बक रही हो? आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं शक्ति की वाइफ हूँ, इसमें आपको क्या तकलीफ है? बोलो क्या तकलीफ है। शक्ति मेरे मामा की लड़की से प्यार करता है और वो लड़की उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। आज उस लड़की की शादी है और मैं उस लड़की को मंडप से उठा के लाया हूँ। अरे बाप रे, वो आदमी ऐसा ही है, उसने पहले बहुत लड़कियों को धोखा दिया है सच में। ए, तुम क्यों ऐसा मजाक कर रही हो? ऐसा बोलते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम भी एक लड़की हो। तुम, मैं उसे बताता हूँ, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो मिस्टर, गलती सिर्फ मेरे आदमी की नहीं है, उस दिव्या की भी गलती है। और तुम बात करने के लिए आए हो? शादी के मंडप से लड़की कोई भी बोले तो उसके साथ भाग के आ जाएगी क्या? अब वो लड़की तुम्हारे साथ भाग कर आई है तो वो लड़की अच्छी लड़की थोड़ी ना है। ए, तुमने मेरी दिव्या के बारे में गलत बोला ना, तो छोड़ूंगा नहीं। क्या है? मेरी दिव्या, मेरी दिव्या, ऐसा तो अपनी पत्नी को कहते हैं। तुम दोनों के बीच कोई चक्कर नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? मुंह बंद कर अपना। और सुन, बचपन से मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसने कभी भी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है। लेकिन उसने तुम्हारे कमीने पति पर भरोसा किया। अच्छी, बचपन से उससे प्यार करते हो और अब तक उसे बताया नहीं? अगर अभी भी तुमने उसे नहीं बताया तो वो तुम्हें पलट कर भी नहीं देखेगी और वो कार में बैठकर किसी और के साथ भाग जाएगी, समझे? अब तुम फोन पर बात करना बंद करो और उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों, आवाज नहीं आ रही क्या? कैसे बताऊं ये सोच रहे हो? दस लोगों को मारने को कहो तो मार लो, लेकिन ये प्यार की बातें सामने करने में शर्म आती है। सामने कहने से शर्म आती है तो फोन पे कह दो। फोन पे? हाँ, डरो मत, कह दो शक्ति। शक्ति, तुम क्यों मेरा नाम ले रही हो? फिर क्या, मैं बचपन से तुम्हारा नाम ले रही हूँ शक्ति। तुम्हारे दिल में रहे प्यार को बाहर निकालने के लिए मुझे ये बहाना बनाना पड़ा, और अगर अभी भी तुमने प्यार नहीं जताया तो मैं सचमुच में किसी और लड़के का हाथ पकड़ के भाग जाऊंगी। हाँ, चाहे ये चाहे हो ना सच तेरा। मौसम हसी चाहत जवान, आपस आ पागल समा, आँखों के रास्ते इस दिल में समा, समझना मुझको। दिल 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 मेरा, चाहे ये चाहे हो ना सच तेरा। दिल 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 मेरा, चाहे ये चाहे हो ना सच तेरा। जान 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 सनम, तुम जानो जिगर तू है।
जान सनम धड़कन सनम सब कुछ मेरा तू है। है प्यार सनम दिलदार सनम सरकार सनम तू है। इकरार सनम इतबार सनम इजहार सनम तू है। दिल में सनम मजा समा बाहों में भर के मुझे सीने से लगा। तेरा मैं दीवाना चाहे ये चाहे हो सच तेरा। सांसों में आजा समा आजा संभाले मुझे दुनिया दिखा। गोरा गोरा तेरा बदन तेरे लिए सनम कैसी बेकरारी है कैसा है घुमा देखो चले यहाँ से। हाँ भाई रुक, मैं भी आ रहा हूँ। क्या जल्दी आ रहा हूँ भैया? भाभी का बाप एक गैंग लेके आ रहा है, आप जाइए। इतने में आज तेरा ससुर यहाँ लग रहा है। आने दो उसे, कराटे कुंफू सब सिखाता हूँ, अब मैं उसे बताता हूँ। ए तू जल्दी बाहर आ, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है देखो ये बेशर्म की तरह कैसे खड़ा है। अरे उसमें मूवमेंट भी कर रहे हैं। इसी वजह से आपने दो लाख रुपए की अंगूठी दी थी। देखिए ससुर जी, मैं आज इसका कीमा बना दूंगा। अरे बात करो, अलग करो। सॉरी मैडम, मैंने गलती। छोड़ तो ना, तुम मुझे छू कर ऐसे छोड़ कर जा रहे हो। छोड़ तो भाई, तेरे लिए यही सही है। तू इसे छोड़ कर उसे ढूंढ रहा है। ये काली कलूटी डराने की चीज है। छोड़ छोड़ कर ऐसा। चल चल जल्दी चल। अरे मेरी बेइज्जती हो रही है। ए शक्ति को फोन कर रहे हैं। सेटलमेंट के नाम पर चीटिंग का धंधा चला रहे हो तू तो सिर्फ पूछ है, तेरा सिर कहाँ है ये बता। मेरा सिर कोई मामले नहीं है, एमएलए अरविंद है। क्यों, क्या हुआ, डर गया क्या? डर और मुझे, डर तो खुद इस क्रूर से करता है। गलती करने पर तो भगवान को भी नहीं बख्शता ये गुरु। रहा है तुम्हारे पापा का है, उठाओ। शक्ति मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ही बात कर लो ना।
सामने कुछ नहीं कर पाया तो फोन पे क्या कर लेगा? मेरा बाप है, तू ही बात कर। पापा के बारे में ऐसा मत कर सकती। हाँ ठीक है ठीक है, तू बात कर। पापा, हेलो संध्या बोल रही। क्या शक्ति, तुम्हारे फोन पर कोई लड़की बात कर रही है? हेलो, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे 4-5 गुंडों ने बंद करके रखा है, किडनैप करके रखा है किसी जगह पे। ए, फोन दो जरा। ये लो। हेलो, कौन है? सर सर प्लीज सर, आप तो कम से कम मेरी बात सुनो। आज मेरे घर में कुछ लोग घुस कर मेरे नौकरानी को मार दिया, 4-5 लोग थे वो, और मुझे किडनैप करके कहीं बंद करके रखा है। मेहरबानी करके प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या कह रही हो, किडनैप करके रखा है? हेलो, सोनी चैनल के कॉमेडी सर्कस से बात कर रही हो क्या? मेरी बात सुनो, मेरा अभी ट्रेजेडी टाइम चल रहा है, अभी मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज आप किसी और को फोन कर लो। प्लीज 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 सर, फोन मत कीजिए, मेरी बात मानिए, मैं सच बोल रही हूँ सर, प्लीज सर मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज वो लोग मुझे पकड़ के लेके आए। अरे क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूँ या नहीं करूँ ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें काटने के लिए गैंग हथियार लेके मेरे पीछे पड़ी है, मैं ये शहर छोड़ के भाग रहा हूँ, पहले आप फोन रखिए। सुनिए सर, मुझे कमरे में बंद करके रखा, फोन को भी तोड़ दिया था, और टूटे हुए फोन को मैं 1 घंटे से एक एक करके उसके पार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तब से ट्राई कर रही हूँ, आखिर में आपका फोन लगा। क्या शक्ति, उस लड़की से तुम कितनी देर से बातें कर रहे हो? एक मिनट रुको ना। हेलो, मैं अभी आपकी मदद करने की हालत में नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, फोन मत रखिए प्लीज, अगर आपने फोन रख दिया ना तो दोबारा मुझे लाइन नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या करूँगी। आप मेरी बात सुनिए, मैं खुद मुसीबत में फंसा हूँ, आप मेरी बात को भी तो समझो, प्लीज फोन रखो। समझने की कोशिश तो करो, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? आप मेरा नाम क्यों पूछ रही हो? बताइए ना प्लीज। शक्ति, बता दिया ना तुम्हें? सुनो शक्ति, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी के 10 मिनट मेरे लिए वेस्ट किया यही समझ लेना आप, आपके रास्ते में कोई भी पुलिस स्टेशन मिले तो इंस्पेक्टर को ये फोन दे देना, मेरे लिए यही काफी है, मैं इंस्पेक्टर से बात कर लूंगी, उसे कंप्लेन कर दूंगी, उसके बाद कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस वक्त आप भी मेरे लिए भगवान हो, मेरे लिए इतनी सी मदद कर दो प्लीज, आप कैसे भी करके मेरी मदद कर दीजिए प्लीज सर प्लीज, शक्ति मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। शक्ति पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन तू फालतू का टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो खुद भी मुसीबत में फंस गए हैं ना, सारे शहर में आग लग जाएगी, मैं विपक्ष का MLA हूँ समझा, सिटिंग MLA, और तू तो समझ गया ना, डर गया क्या? तू सीटिंग MLA हो सकता है, लेकिन तू तो चीटिंग MLA है, इसलिए मैंने तुझे अंदर बंद किया हुआ है। अरे वाह, मैंने क्या गलती की है जो तूने मुझे अरेस्ट किया है, और वो तू साबित कैसे करेगा? और मेरे खिलाफ मेरे एरिया में जाकर गवाही देने के लिए कौन तैयार होगा? ए गोविंद, क्या साहब? तूने क्या किया है? मर्डर सर। किसके कहने पे किया है? इस MLA के कहने पे सर। क्या बोला रे? ए, अपनी शक्ल दिखा। ये क्या बोला साहब? ए काली, वैसे किया बड़ा साहब को। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? सारा शहर तुझे अच्छा पुलिस वाला मानता है, लेकिन तूने मेरे ही सामने बहुत सारे झूठे गवाह तैयार कर लिए। अच्छाई अच्छे लोगों के लिए, तेरे जैसे अपराधी के लिए ऐसा क्रिमिनल दिमाग लगाना पड़ता है। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन आ गया हूँ। दिव्या तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ। मेरी निगाह तुझ पे पड़ गई है, बाहर आके दिखाता हूँ तुझे, बात करते हैं। तू मुझ पर नजर रख सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी भी गोली मार सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइसेंस वाला गुंडा हूँ। क्या काम है? सर तुमसे मेरा कुछ लेना देना नहीं, सर एक कंप्लेन करनी है, आप मुझे अंदर जाने दो प्लीज सर। पहले यहाँ पर बहुत टेंशन है, निकल यहाँ से। सर आप समझ नहीं, उसको अंदर भेजो। जाओ बुला रहे। सर नमस्ते सर।
सर, डॉक्टर डॉक्टर संध्या, उनको किडनैप किया गया है सर। वो लाइन पे है सर, वो आपको कंप्लेंट देना चाहती है, आप उनसे बात कर लीजिए सर। क्यों भाई, किडनैप किया है बोल रहे हो और लाइन पर? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, खुद बात कर लीजिए सर। हेलो, इंस्पेक्टर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर संध्या बोल रही हूँ। मुझे 4-5 गुंडों ने मिलकर किडनैप किया है और वो लोग मुझे कहाँ छुपा के रखे ये भी मुझे पता नहीं। आप मुझे कैसे भी तुम घबराओ मत, कहाँ से किडनैप किया पहले उस जगह का एड्रेस बताओ। M25 4 25 Cross Street Channel 90। लगता है कोई आ रहा है, लाइन कट करना, फोन जा रहा है। कहाँ है तेरा पति, कहाँ छुपा है? आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? डरो मत, जब तक तेरा पति नहीं मिलता है तुमको नहीं मारूंगा। कहाँ है तेरा पति, बोल कहाँ है तेरा पति? तमिलनाडु की लड़की है इसलिए तू अपने पति को बचा रही है ना। वो मुझसे छुपा छुपे का खेल खेल रहा और मैं तुझसे खेल खेल रहा हूँ। हाँ। अरे तेरा एक लड़का है ना, क्या नाम है उसका? राहुल। वो डॉन बॉस्को स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। हाँ, टाइम क्या हुआ? 12 बजे। 12:15 को लंच होता है ना, बेचारा तेरा वेट कर रहा होगा। मैं जाकर लेके आता हूँ, बाय। तुम उसे कुछ मत करो, वो मेरा बच्चा है, उसे कुछ मत करना, कुछ मत करो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा कोट गंदा मत कर, हाथ लगा। तूने मेरी बात मान ली, थैंक यू। उसे कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, प्लीज। बुला दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, खोलो, मत करो, दरवाजा खोलो प्लीज। मेरी बेटी को कुछ मत। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो लोग मेरी बेटियों को किडनैप करने गए, आप कैसे करके उसे बचा लीजिए प्लीज। हेलो, मैं शक्ति बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास फोन क्या था? इंस्पेक्टर को फोन दो। वो क्या है ना, यहाँ स्टेशन में कुछ गुंडे लोग लफड़ा कर रहे हैं। यहाँ कॉल अटेंड करने वाला भी कोई नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, आप तो विश्वास करो, तुम्हारे सिवा मेरी कौन मदद करेगा? कोई नहीं है मेरा। शक्ति तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा इकलौता लड़का है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। प्लीज शक्ति, कैसे भी करके उसे बचा लो प्लीज। शक्ति प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। तुम्हारा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है? वो डॉन बॉस के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आज उसे एक्सरसाइज के लिए वॉट क्लब में लेके गए। मैं बोट क्लब जा रहा हूँ। क्या बात है शक्ति? सबको अरेस्ट करो। शक्ति हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो, संध्या मैडम की लड़की को भी किडनैप करने वाले हैं, लेकिन हम बोट क्लब जाके उसे बचा लेंगे।
आपने कंप्लेन कर दिया ना तो पुलिस बचाएगी, आप गाड़ी घुमाओ। दूसरों को मुसीबत से बचाने वाले को इसलिए मर्द कहते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो ऐसा सोचकर मैंने तुम्हें बचाया था क्या? तुम चुपचाप बैठो। तुम कुछ भी बोल के मुंह बंद करवा देते हो। स्कूल के वॉचमैन से पूछिए, बोट क्लब है ना? हेलो, घर पर उस लड़के की फोटो होगी, वो फोटो मेरे सेल पर एमएमएस कर। कार का लॉक खोल। की फोटो देख ली ना, वो लड़का कहीं भी मिले तो उसे उठा लेना, ढूंढो उसे। ओके सर। चलो उधर बैठो। मैं यहाँ बैठी हूँ। जाओ जाओ जाओ, तू मेरे पास आ जा। बाय। सब अपनी अपनी सीट को पकड़ लो। बाय। बैठ जाओ। बाय बाय सर, आपके सेल फोन में जो फोटो था वो लड़का बोट में जा रहा है। आपने जिस जगह पे बोला था मैं वहाँ पहुँच गया। अब तुम भी मेरी बेटी को बचा सकते हो शक्ति, प्लीज। अरे 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 भाई, अरे भाई तुम इधर क्या कर रहे हो? इधर कहाँ से आ रहे हो? निकलो। ए, ए, क्या कर रहे हो? अरे राहुल, राहुल। हेलो हेलो, पहले आप कौन है बताइए? थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला राहुल कहाँ है? वो तो अभी अभी वोटिंग पे गया है। अरे, आपको किडनैप करने वालों में से एक ने कोट पहना है क्या? ए, फोन पकड़। चल बैठ जा। अरे आपको कोर्ट में क्या काम है? अंकल के साथ बड़ी बोट में घूमने चलोगे? ठीक है सर।
कर लिया क्या? कौन इधर तो? हेलो शक्ति, मेरे बेटे को बचा लिया ना तुमने? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे उठा ले। कांस्टेबल, वो सारे पेंडिंग समन्स ले आओ। अरे रे, इस लफड़े में मैं उस नैब कंप्लेंट को भूल ही गया। शक्ति, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? दो पार्टी में गाड़ी रखी हुई उठा कर ले गए। फोन का भी चार्ज खत्म हो रहा है। मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चार्ज खत्म होने से पहले तुम जल्दी से चार्ज कर लो प्लीज। आप चिंता मत करो, मिस कॉल में आपका नंबर है, अगर कॉल कट भी हो गया तो मैं वापस कॉल करूंगा। बाप रे, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई सेम लाइन नहीं रहेगा, मैं फंस जाऊंगी। तुम कहीं भी जाकर चार्ज करो प्लीज। आप चिंता मत करो, मैं तुरंत जाके चार्ज करता हूँ। लगता है बैटरी डाउन हो जाएगी। बैटरी डाउन हो रही है। चलो चलो जल्दी जल्दी। मैडम अर्जेंट एक चार्जर चाहिए। वहाँ पूछो। सर सर अर्जेंट एक चार्जर चाहिए। एक मिनट रुकिए, आप इसका एक चार्जर चाहिए था सर। वहाँ पर जाइए। किधर? ये सेल बहुत अच्छा है मैडम, इसमें डबल सिम है। मैडम अर्जेंट एक चार्जर दे दीजिए ना मुझे। कस्टमर अटेंड कर रहे हैं ना, आप वेट कीजिए। इस सेल पे 3 साल की गारंटी है मैडम। एक चार्जर दो ना। सर मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, दूसरा आएगा वो आपको। अरे चार्जर तो देके जाओ। शिट, अरे बाप रे, क्या करूं मैं? तेरा पति मार गया, तुम तैयार है ना? मैं ठीक समय पर आ जाऊं। शिट, क्या कर रहे हो? सर सेल फोन का चार्जर चाहिए था सर, बहुत अर्जेंट है सर। यहाँ कोई सही जवाब नहीं दे रहा, कम से कम आप तो चार्जर दे दो प्लीज सर। सर चार्जर देंगे या नहीं? अरे बाप रे, चार्जर देंगे या और कुछ तोड़ने की जरूरत है? नो मोर ब्रेकिंग। तुम बहुत जल्दी में हो ना, ये मेरा पर्सनल चार्जर है, नो इसे और तोड़ फोड़ मत करो। हाँ थैंक यू, ये लो चार्जर के पैसे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चार्जर के तो ओके, पर तोड़ फोड़ का कौन देगा? डॉक्टर संध्या अंदर हैं क्या? मैं हूँ संध्या। क्या आप ही डॉक्टर संध्या हो? आपको कोई डाउट है क्या इंस्पेक्टर? आज सुबह में आपने मुझसे बात की थी क्या? नहीं नहीं, भला मैं क्यों आपको फोन करूंगी? लगता है आपके किसी दुश्मन ने फोन किया हो। आप रिमोट एरिया में हो इसलिए सावधानी से रहो। आप अगर बाहर जाती हैं तो स्टेशन में इन्फॉर्म करके जाइए, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूं। ओके सर। पीले शर्ट वाला लड़का एमएलए का आदमी हो सकता है, अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसे छोड़ूंगा नहीं, असल की तरफ। हेलो। हेलो, क्या बात है? जल्दी बोलो। आज सुबह डॉक्टर को किडनैप करते समय किसी ने देख लिया है पब्लिक में से। इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए आया था। Don't worry, मैंने हैंडल कर लिया। ओके। भाई, एक जरूरी कॉल है, कट भी जाएगा। थोड़ा सा चार्ज कर लूँ क्या? सामने बोर्ड लगा दो। अंकल छोड़ दो, अंकल, अंकल, राहुल, 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 मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा? राहुल, 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 मेरे बच्चे में। बेटे से मिलना है तो तेरा पति कहाँ पर है ये बता। नहीं बताएगी
मेरे जैसा मत करो प्लीज। छोड़ दे। तेरा लड़का बहुत होशियार है, ये तू अच्छे से जानती है, अभी भी नहीं बताएगी। तू क्या था? हमेशा मैं शांति से बात करता रहा हूँ, लेकिन अब शांति से बात करने का समय नहीं है। कहाँ है तेरा पति? बुलेट गन में होनी चाहिए या तेरे बेटे के सर में, बता बता। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी पैर पड़ दी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बता छोड़ दी, मेरे बच्चे को मत मारो, बच्चे को लेकर जाओ, छोड़ दे राहुल को, मत मारो, छोड़ दो। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ कि मेरे पति कहाँ है, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। कुछ आवाज सुनाई दी ना? पहले गाना बजाना बंद करो। मैं बताती हूँ। अरे गाना तो बंद करो। ए सीडी प्लेयर खराब हो गया है सर। खराब हो गया है? मैं बताती हूँ ना, आज मेरे पति चेन्नई एक्सप्रेस से आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, राहुल को मत मारो। मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी क्या? सुनाई दी। शक्ति, शक्ति, तुम मुझे सुन रहे हो ना? तुमने सब सब सुन लिया ना? अगर तुम उनसे पहले मेरे पति से नहीं मिले तो वो सिर्फ उनको ही नहीं, मुझे और मेरे बच्चे को भी मार डालेंगे। स्टेशन जा रहे तुम्हारे पति? चेन्नई एक्सप्रेस। चिंता मत करो, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। ऑटो, ऑटो, स्टेशन चलोगे क्या? स्कूल की सवारी है सर। ठीक है, चलो जल्दी चलो। स्टेशन तक दौड़ा के ले जा रहे हो क्या? उधर चलो, ऑटो मिल जाएगा। हे भगवान, मुझे इस गाड़ी के धंधे में इतनी बरकत दे कि अगले साल 9 गाड़ियों का मालिक बन जाओ। ओम अहंग मुनीरांग बचनंग शिनोमि शिनोति अम्बई अभिनाशनम नचास दोष नचमे गुणो वा संसर्गजा दोषे देवंग भवंती। ये रखकर गाड़ी स्टार्ट करो। इसको रखकर चलाने से अच्छा है ये मुझे आप दे दे तो मैं 2 गाड़ियों का मालिक बनूंगा। मजाक करना बंद करो, चैन छोड़ दो, गाड़ी की नजर उतारो और उसे चलाओ। पंडित जी, मैं आपकी बात मान के नजर उतारता हूँ। लाभ एक, लाभ दो, लाभ तीन, लाभ चार, एक लाभ भाग है, मैं इसे पकड़ता हूँ। शक्ति, अरे बाप रे, शक्ति मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकती, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जरा संभलो, अभी थोड़ी दूर है, उसके पहले हमें स्टेशन पहुँचना जरूरी है। सर, आप गाड़ी चलाना जानते हैं क्या? हाँ जानता हूँ। मैं ये नींबू रखता हूँ, वो वहाँ से भाग जाता है, मैं ये नींबू रखता हूँ, आप उसे चला दीजिए। चाबी गाड़ी में? ये भी बैठ सकती है क्या? अरे वाह वाह, पहले ही सवारी बहुत ही अच्छी मिली है। आइए 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 सर, सिर्फ नींबू अच्छा से फटना चाहिए सर। तुम नींबू बराबर रखो। हाँ, मैं बराबर चलाऊंगा। आप गाड़ी चलाओ ना सर। ओके भाई साहब। नींबू तोड़ने के लिए कहा था और ये उंगली तोड़ दिया। अरे कमाल है यार, एक गाड़ी लेके भागे। पकड़ो पकड़ो उसे, गाड़ी गाड़ी। यो भाई, नजर उतर गई क्या? मेरी गाड़ी चली गई पंडित जी। भाई आज ही नई गाड़ी कर दी है, मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बिठाया। रुक जा भाई, अरे कहाँ जा रहा है भाई? जी मैं उसके सामने मत आ जाना। मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए तुम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। अगर उन्हें यह पता चल गया कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो तो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। भाई साहब, चेन्नई एक्सप्रेस किस पे आएगी? 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। चलो खड़ी हो जाओ। क्या हो रहा है वहाँ?
चिल्ला रही, उसे पकड़ने को बोला मेरे को पकड़ रहा। चलो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। चलो कह रही कि उनको फोन दूं। तुम्हारे हस्बैंड को वो लोग किडनैप कर रहे हैं, उनको बचाओ। बोला था ना तुम्हारे हस्बैंड को किडनैप नहीं किया है, अरेस्ट किया हुआ है। अरेस्ट किया? What do you mean? वो लोग पुलिस वाले हैं, तुम्हारे हस्बैंड को अरेस्ट किया है। फिर तो तुम्हारा हस्बैंड क्रिमिनल हो सकता है ना, उसको बचाने के चक्कर में तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो क्या? शक्ति तुम क्या कह रहे हो? मुझसे अब नहीं हो, तुम अपना फोन अब कट करो, मुझे जाने दो। शक्ति मेहरबानी करके फोन मत काटो, मेरे हस्बैंड तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल ही नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। ऐसा है तो फिर उसे अरेस्ट क्यों किया हुआ है? शक्ति मेरे पति डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड अगर क्रिमिनल होते ना तो पुलिस मुझे और मेरे बेटे को किडनैप क्यों करती? पुलिस स्टेशन में ले जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना। पुलिस ऑफिसर ऐसा व्यवहार करता है क्या कभी किसी के साथ? बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति हम लोग गलत नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। तुम जाओगे तो हम तीनों बच जाएंगे। शक्ति तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तुम खुद सोचो कि तुम्हें अब क्या करना है। शक्ति पुलिस गलत है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू शक्ति। ए, तुझे अच्छी तरह पता है ना उन दोनों को भाई यहीं पर देखा था। शक्ति शक्ति वो देखो पापा के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो वो लोग हैं, समझ के मैं डर गया। ए, मैंने अपनी खुद की बीवी को इस गाड़ी में नहीं घुमाया, तुम इधर उधर राउंड लेके मजे ले रहे हो। ये सब इस गाड़ी की राशि में सर। ये कौन है शक्ति, इसको कहीं देखा है ना? ए, तुम इनको नहीं जानती हो? ये है इस कार के ओनर। सच में? हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ए, मेरी ही कार चुरा कर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस मैंने जैसे ही पुकारा आप सामने आ गए, डेट इज तमिलनाडु पुलिस। मक्खन लगाना बंद करो, इस कार का ओनर कौन है? ए, साहब क्या पूछ रहे हैं बताओ। यही है सर। सर उन लोगों ने खुद ही कबूल कर लिया सर। सर बोलने से पहले ही आप लिखना शुरू कर दिया सर, दैट इज तमिलनाडु पुलिस सर। सर 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 मेरी गाड़ी सर। चली गई तो कोई बात नहीं, तुम हो ना सर? कार चोर पकड़ने के लिए आप कंप्लेंट लिख के दे रहे हो सर? ये कंप्लेंट नहीं फाइन है, नो पार्किंग में कार खड़ी करोगे तो पुलिस चुप रहेगी क्या? ये 2500 रुपया फाइन है, जल्दी से निकालो और यहाँ से निकलते बनो। आपका कानून बराबर फर्ज निभा रहा है सर। दैट इज तमिलनाडु पुलिस। हेलो, तुम लाइन पे रहना, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मामा दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। मामा मैं आपका रिश्तेदार हूँ, हमारी शादी करवा दीजिए मामा, आप हमें समझने की कोशिश तो कीजिए। चलो रे जाओ। मामा मामा समझा दो इन्हें। नहीं मामा, नहीं मेरी बात मानो मामा।
निकम्मो, मार खा रहे हो। मैं तुम्हें मार खाने के लिए कहा था क्या? तू मुझे कितना भी मारेगा, मैं उस लड़की से शादी करके ही पहले धोती तो पहन ले। तो भाई साहब, भाभी को छोड़ के दूसरा बाहर चक्कर चला रहे हो क्या? ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? ये तो सारा शहर जानता है। उससे लड़ने के बजाय तुम मुझ पे ही गिर रहे। चल जा, उसे जाके लड़। सुन सुन, अरे बाप रे, ये मेरे होने वाले दामाद को तो सैंडविच की तरह चिपका दिया। अरे ये तो भाई मामा चाचा कुछ नहीं देख रहा, सबको धो रहा है। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम शराब नीट मत पियो, कितनी बार समझाया तुम्हें, लेकिन तुम। अरे रे, एक मिनट। क्यों चाचा, तू मुझे मारेगा? अरे मैं क्यों मारूंगा, तुम कैसे मारते हो ये देखने के लिए मैं आया था। ठीक है, घर पे सब ठीक तो है ना? बड़े अच्छे मारते हो भाई। तू यहाँ खड़ी है, चल चल गाड़ी निकाल। चल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। चल गाड़ी निकाल। चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दुल्हन को दूल्हा उड़ा के ले गया। उठा लिया चाचा, उठाने वाला दूल्हा नहीं है, दुल्हन है। है? दुल्हन? अरे भागो रे, बाप रे बाप। जो सोचा था वही हुआ, सही सलामत ले गया ना। बेवकूफो, मैं तुम लोगों को क्यों लाया था? अरे निकम्मो, गाड़ी किस तरफ जा रही है वो तो देखो। सर, डीसीपी साहब ने पार्सल भेजा। रख दो वहां पे। सर, हेलो, बहुत बिजी हो क्या? मैं बोल रहा हूँ, सुबह से कॉल कर रहा हूँ, लगता है कि बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। आज सुबह सुबह मैंने एक एमएलए को अरेस्ट किया सर। गुड गुड गुड। मैंने एक कवर भेजा था, तुमने देखा क्या? नहीं देखा है पापा। देखना चाहिए ना। तो फिर क्यों नहीं देखा? उस कवर में क्या होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो ना, फिर क्या? प्रिया के जन्मदिन पर इसी साल तुम शादी करोगे, ये उससे वादा किया। तुम्हें आइडिया तो है ना? अभी मुझे आइडिया नहीं है। सुनो, प्रिया की भाभी कौन बनेगी ये वही डिसाइड करेगी। हमने भी उस लड़की को देखा है, उस लड़की का नाम नीलम, नाम भी सुंदर है और लड़की भी सुंदर है। ठीक है, मैं बहन से बात करूंगा। पुलिस मैन, ज्यादा मत सोचो। ओके बाय। दिल के तू पास आके तू पास मेरे दिल से आ दिल मिला। आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आके तू पास मेरे दिल से दिल आ मिला। चिकनी चिकनी पतली कमर फिसल फिसल जाए नजर, ऐसे में तुम बोलो जाए हम कहां। मस्त मस्त बाका छोड़ा।
मुझ पे क्यों तू डाल डोरा, तेरी हूँ मैं तब से जब से जहाँ। रानी आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से आ दिल मिला। आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से दिल आ मिला। हुआ 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 प्यार हुआ, धीरे 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 यार हुआ। आजा आजा थोड़ा 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 आजा राजा, रानी आके मेरे पास जरा दिल में समा जा। हिरनी सी हिरनी सी चाल, तू है रानी तू है रानी तू बड़ी कमाल है कमाल। हे घबरू जवान तू है करना धमाल, तेरी मर्दांगी पर विदा मेरी चाल। ए दिल है तेरा है जान तेरी, तो मिल जाए दुनिया मेरी खिल जाए। तेरी हूँ मैं तेरी हूँ, वापस आजा सनम। आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से आ दिल मिला। आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से आ दिल मिला। गई है हसरत ये जब से तू मिली, बाहों में तू है ए भर ले जरा, ए सांसों में तू आजा बस जा जरा। मैं हूँ सनम तेरी, हाँ तू है सनम मेरा, फिर देरी है कैसी बाहों में आ तू जरा। ए रानी आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से आ दिल मिला। आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से दिल आ मिला। चिकनी पतली कमर फिसल फिसल जाए नजर, ऐसे में तुम बोलो जाए हम कहां। मस्त मस्त बाका छोरा, मुझ पे क्यों तू डाले डोरा, तेरी हूँ मैं तब से जब से है जहां। आजा आजा पास आ, दिल के तू पास आ, आके तू पास मेरे दिल से दिल आ मिला। पूछो पूछो इसे, प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए और अच्छी तरह से पूछो। हाँ ये नहीं बताएगा, इधर आ, मजबूर करूँगा। एक खूबसूरत बीवी और अच्छा काम, तो ये डॉक्टरी का काम छोड़ के तुम सीआईडी का काम क्यों करने लगे है? हाँ। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो तू नहीं बताएगा, एक छोटा सा ऑपरेशन तेरा नहीं तेरी औरत का। चल हट, अरे ए हाथ लगाया तो ये चिल्लाने लगा, बाद रेपिंग और फिर पेपर में न्यूज़, टीवी फ्लैशेस, बेइज्जत होकर खुदकुशी। समझ में नहीं आया क्या? बता, गुड़िया की तरफ तेरी बीवी के टुकड़े करूंगा और तुझे ही समेटने होंगे। तुझे समझ में आया क्या? तेरी बीवी का पोस्टमार्टम तू ही करेगा, जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। नहीं नहीं, ये लोग अच्छे नहीं है, मारने के लिए जरा भी नहीं। संध्या ये लोग क्या गलत काम करते हैं तू नहीं जानती, मेरे पास जो सबूत है अगर मैं इसे दे दूंगा तो ये बच जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर तूने नहीं दिया तो तेरा परिवार ही बचेगा। छोड़ो, मैं बताता हूँ। बता। मैं बताता हूँ, क्लॉक रूम है? रेलवे स्टेशन क्लॉक रूम, क्लॉक रूम स्टेशन। ये पहले बोलना चाहिए था। चल मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। वो लोग क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर बहू ने मिल गया ना तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा।
मैं संभालूंगा। सर, 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 आज सुबह सुबह किसी ने मेरी नई गाड़ी चुरा ली है, कंप्लेन लिखवानी है। सर मैं टेंशन में हूँ, आप मेडिटेशन करके बैठे हैं यहाँ? घबराओ मत, इसकी कुछ डिटेल्स बता सकते हो क्या? 6 फीट लंबाई गोरा, शर्ट इसी कलर का था सर, लेकिन पैंट काली थी। अरे भाई उसकी डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ, तेरी कार की डिटेल बता। तो आपको ऐसा पूछना चाहिए था ना सर, मारुति ओमनी वैन, कार का नंबर 1 मिनट सर, TN09ES6085। कार नंबर बताने के लिए इतना सोच रहे हो? सच में वो कार तुम्हारी है क्या? लगता है तुम्हारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सर कई कार ओनर्स को अपने गाड़ी का नंबर पता नहीं होता सर, लेकिन ड्राइवर को उसका नंबर पता होता है सर, इसलिए मैंने ये नंबर अपने दिल के पास रखा है सर। नाम क्या है? मारुति ओमनी पीले रंग की। है तेरा नाम क्या है? नाम कुंजुमणि, रंग छोड़ो। सर, आज मेरी बेटी की शादी थी, एक लड़का उसे उठा कर भाग गया सर। कौन उठा के भाग गया? कुछ कीजिए ना सर। ए भाई, लड़का लड़की को उठा कर ले जाए तो पैसा बच जाए, आप समझे क्या? अरे उठाने वाला कोई और क्या लड़का बोले? है भाई। एक लड़की का दो चक्कर सर, पहले इसको बंद कर दीजिए सर। कौन है? इसको बंद करता है मैं बताता हूँ सर, आप जंजीर के अमिताभ बच्चन और सिंघम के अजय देवगन लगते हो सर। सर उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ दीजिए ना सर। तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं ज्यादा बोलता हूँ सर, लेकिन आप बिना बोले ही जीत गए सर। धोती कहाँ है तेरी? जब तक शादी नहीं करूंगा अपनी धोती नहीं पहनूंगा सर। तुमने यहाँ से जाने से पहले धोती नहीं पहनी तो लॉकअप में डालकर तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। छोड़िए, फोटो निकाल। ये है उस लड़के की फोटो सर, मेरी लड़की उसके साथ एक दिन भी नहीं रहनी चाहिए, आप उसे ढूंढ निकालो सर। पैसा कितना भी लगेगा कोई बात नहीं सर, ये देंगे सर। सर यही लड़का है जिसने वैन चोरी की। ये है? ये तो सुबह आकर डॉक्टर को किसी ने किडनैप किया है बोला था। डॉक्टर नहीं सर, मेरी बेटी, डॉटर, डॉटर, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए सर। सर हम दोनों केस में से पहला केस मेरा है, मेरी बहन चाहिए सर। मेरी बेटी को केस बोलता है? ये क्या मालूम सर, आप तो जानते हैं सर, कार से बड़ा लड़की की इज्जत है सर। वैन ढूंढो सर, लड़की ढूंढो सर, वैन ढूंढो सर। कार बड़ी है या लड़की बड़ी है? तुम्हारी लड़की से बड़ी मेरी वैन है, इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। तो उसी को उठा कर चला गया ना। लड़की ढूंढिए सर, वैन ढूंढिए सर, लड़की ढूंढिए सर। छी, चुप रहो, यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है क्या? पहले मैं जाऊँगा स्टेज पे, इसकी कंप्लेन पे काम करना बताओ। सर, सर, एक्सक्यूज मी, आज एक लड़का शोरूम में घुसकर मेरा काजूस तोड़कर मेरा चार्जर उठाकर ले गया। मेरे ऑफिस में रिकॉर्ड हुआ, इसमें सब कुछ है। आप भी ऐसे तो है, मगर तूने देखा? देखा था, सुंदर है। अरे सर ये वही वही सर वही वही है। सर इन सब की कंप्लेन लिख लो सर, और इस कैसेट को सारे टीवी चैनल्स पे देखकर फ्लैश करो। यस सर। मेरे साथ आओ। चलो चलो। इसने क्यों स्टेशन में आके कंप्लेंट लिखवाई थी? एक लड़की भी थी जिसने मुझसे फोन पे बात की थी। सुनो भैया, मुझे फोटो खिंचवानी है। ओह, अरे क्या बात है, पसीना पसीना हो गई है। जाओ अंदर जाके मेकअप कर लो, तभी तो फोटो अच्छा आएगा। चलो जाओ, जल्दी जाओ। हेलो, मैं अलगर बोल रहा हूँ। अभी अभी यहाँ 3 नई स्टील आई हैं। तुम अगर तुरंत आ गए तो बहुत अच्छी प्रिंट बना सकते हो। के लिए बाहर जा रहा हूं, कुछ खास इंक्वायरी, तब तक तुम स्टेशन में रहो। ओके सर। साहब जी, मेरी बेटी गुम हो गई, अब कैसे निकलके ढूंढ दीजिए सर। क्या बात, क्या हुआ? साहब जी, कल से स्कूल गई थी, स्कूल से वापस भी घर नहीं आई। मैंने सब जगह पे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने स्कूल जाकर पूछा तो पता चला पहले से ही वहाँ से 4 लड़कियाँ गुम हो चुकी है। ऐसा जवाब दे रहे हैं वो लोग, मैं क्या करूँ सर? मेरी बेटी को कहाँ ढूंढू? साहब जी, मेरी बेटी अभी अभी 18 साल की हुई है, 1 महीना हुआ है साहब, किसी गैंग ने उसे किडनैप कर लिया। साई राम जी, सर इन बहन जी के साथ स्कूल जाकर क्या हुआ ये पूछताछ करके आओ सर। मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ। yes, ओके चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये तो आश्चर्य की बात है, बार बार जवान लड़कियां गायब हो रही हैं। इस बात का कुछ फैसला करना पड़ेगा। डॉक्टर, 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 डॉक्टर,
आ जाए। डॉक्टर, कारखाने में काम करते वक्त इसका हाथ मशीन में आ गया था, आप इसे देख लीजिए। मैं यहाँ नहीं देख सकती हूँ, अगर बगल में कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ लेके चले। नहीं मैडम, बाजू में कोई हॉस्पिटल नहीं है, देखिए खून भी बह रहा है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये मर जाएगा। अरे तुम जो सोच रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर बाहर गई है। सुनो, तुम लोग इसकी जान बचाना चाहते हो तो इसे बगल के हॉस्पिटल में ले जाओ। सर, आपका शक सही निकला, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बाहर गई है, उसने बोला। इस एरिया में किसी पे भी शक चाहे तो उसका पीछा करो, मैं उसके घर पर जाकर आता हूँ। डॉक्टर सिया कहाँ है? ज्योति, क्राइम ब्रांच, ये तो अपना ही डिपार्टमेंट है। क्या ढूंढ रहा है? टोकन जहाँ रखा है वहीं पे ढूंढ। हाँ मिल गया, ले दो इनका सामान, निकाल दो। ध्यान रखो।
सर, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? एक अपराधी की इन्फॉर्मेशन मिली, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक कॉम्प्लिकेशन में फंस गया हूँ सर, इसलिए कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कोई भी कॉम्प्लिकेशन में फंसने वाले नहीं हो, फिर कैसे? आज सुबह डॉक्टर संध्या को किसी ने किडनैप किया है ऐसी कंप्लेंट आई थी, उसी विषय में इंक्वायरी करने के लिए गया हुआ। उस जगह पर मुझे एक एविडेंस मिला, सेल फोन। इज इट? मैं वही हैंड ओवर करने के लिए कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, डीजीपी तो तुम्हारे फादर हैं, कुछ नहीं होगा, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। ओके सर। डेंजरस फेलो, ये और कुछ करे उससे पहले मैं भाई को बता देता हूँ। भाई गुरु नाम के इंस्पेक्टर ने अपने एक आदमी को गोली मार दी, अगर वो इस केस में घुसा तो पूरी छानबीन करेगा। उससे पहले आप गुरु को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले उस लड़की के पास जो कैसेट है वो ले लेना, वो चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं रखता हूँ। मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल गया तो मैंने देखा वहाँ ड्रेनेज में से 6 लड़कियां बहुत बुरी हालत में लाई गई थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं। सिस्टर आप उन्हें वहाँ बिठाइए, जल्दी जल्दी इन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाइए। सिस्टर इनको वार्ड नंबर 2 में ले चलो, फास्ट फास्ट। रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे आप लोग, कुछ नहीं होगा। आप चुप रहिए बहन जी, तुमसे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। पल्स इज गोइंग डाउन। सिस्टर जल्दी से शॉक किट लाओ। कम ऑन। बचा ले मेरी बेटी को, बेटी को बचा ले। आप इसे ले जाओ। डॉक्टर ओह
जल्दी से इंजेक्शन दो। उस लड़की की मौत को मैं भूल नहीं पाया, उस लड़की को मैं बचा नहीं पाया। अरे आप सब शांत हो जाओ। सर इस शहर में क्या हो रहा है सर, आप बता सकते हैं सर ये सब क्या है? एक करके सवाल कीजिए, एक बार में सारे सवाल पूछेंगे तो कैसे होगा? सर इस शहर में क्या हो रहा है सर? बात पता चलेगा। डॉक्टर चेकअप में पता चला है कि जो भी लड़कियां मरी है सभी को रेप करके मार दिया गया। रेप करके मार दिया? इतनी छोटी बच्चियों को? डॉक्टर इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बी केयरफुल। ओके डॉक्टर। उस समय मेरे सेल पर एक कॉल आया था। हेलो डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ? तुम ट्रीटमेंट कर रहे लड़कियों में से कोई भी लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए। इस काम के लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए देने को तैयार। कौन बोल रहे हो तुम? कौन हुई ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो हट जा, मैं वहाँ की पुलिस से ये काम करवा लूंगा। फोन रख, धमकी देता है मुझे। डॉक्टर लड़की होश में आ रही है डॉक्टर। डॉक्टर ये होश में आ रही है, पुलिस को इन्फॉर्म करा। जरूरत नहीं, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। सिस्टर। डॉक्टर मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में एक हैंडी कैम है, आप मुझे लाके दे सकती हो प्लीज? ओके डॉक्टर मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर। हाँ बोलो। डॉक्टर। हाँ बोलो। अधियार में। अधियार में एक बड़ा बंगलों में। हाँ? हम लोगों को घर का काम करने के बहाने ले गए थे। वहाँ पर हमारी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थी। वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते थे और हमारे साथ गलत हरकत करते थे। वो बंगला कहाँ तुम बता सकती हो? बिना कोई सबूत के मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मैं हिम्मत जुटाकर उस लड़की ने जो जगह बताई थी वहाँ गया। बार बोला ना प्यार से, अब और बोलने की जरूरत नहीं। ए, चल रहे, ए, चल रहे, अंदर चल, चल, चल। थोड़े दिनों के लिए ये सब बंद कर दो। पहले बिहार आंध्र प्रदेश केरला से लड़की लाते थे, तमिलनाडु से भी लाने लगे, अब ये तो संभाल नहीं सकते। शहर में जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ कमिश्नर ऑफिस और डीजीपी ऑफिस में भी लोग लड़कियाँ गुम होने की कंप्लेंट कर रहे हैं, चैनल्स भी पूछताछ कर रहे हैं। अगर हम ये काम बंद नहीं करेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। तो फिलहाल कंप्लेंट करने के लिए ये क्या पुलिस चौकी है? मैंने तुझे बहुत मुश्किल से ये खाकी वर्दी दिलवाई है क्योंकि मैं जेल की हवा नहीं खाना चाहता। मैं क्या हूँ? छोड़ दो मुझे।
कैमरे वाले को पकड़ो। अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ कर मार दिया तो ये एविडेंस जिसको भी मिले मेहरबानी करके इसे कोर्ट में पेश कर दें। अगर देखा जाए तो तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम पर एक्शन लेना चाहिए। तुमने एक लेडी कांस्टेबल को शूट किया है। अगर मैं उसे शूट नहीं करता तो अभी मैं आपके सामने जिंदा नहीं बैठा होता। उस वक्त मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, देख लूंगा मैं, छोड़ो तुम। नहीं सर, संध्या का नाम लेकर हमारे डिपार्टमेंट की लेडी वहां क्या कर रही थी? मुझे लगता है कि इस केस में हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिले हुए हैं, ये मुझे डाउट है सर। ऐसा है? इस केस में ज्यादा मत उलझो, ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। क्यों मैं गोना? ओके सर। गुरु, इस बात के बारे में तुम बाहर किसी से डिस्कस मत करना। यस सर। गुड। ऑफिस जाना। हाँ बैठिए ना। चला भाई, फोन उठाओ संध्या। कमिश्नर से मिलना चाहती हूँ। इस नोट पे अपना एड्रेस और नाम लिख दो। किस काम से मिलना है? पर्सनल बात है। थैंक यू। ओके। सर 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 इधर आइए सर। बैग के अंदर क्या है सर? सर कैमरा है। दिखाइए कमिश्नर, दिखाइए, इसे चेक करना है। संभल कर चलना चाहिए, कहीं चोट लगी है क्या? नहीं नहीं सर, वो कमिश्नर से मिलना था अर्जेंटली, किसे पूछना चाहिए सर? नहीं जा सकते, वो बहुत जरूरी मीटिंग में है। तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो क्या आपके हायर ऑफिसर से मैं मिल सकती हूँ? डीसी है, सीधा जाकर राइट में मुड़ जाना। थैंक यू सर। लगता है इस आवाज को मैंने कहीं सुना है। Thank you.
सर, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। आपके कहने पर स्कूल जा करके इंक्वायरी करके आया हूँ सर। उस समय मुझे एक मैसेज मिला था। क्या है वो? सर, जो हुआ है देखा जाए तो ये काम किसी नए आदमी ने नहीं किया सर, ये किसी पुराने क्रिमिनल का किया हुआ काम लगता है सर। सच में? क्या पुराने जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी फाइल मेरे ईमेल आईडी में फॉरवर्ड करो। ओके सर, थैंक यू सर। सर, डीसी साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर मीटिंग चल रही है, तुम वेट करो। आपसे नहीं मिलेंगे क्या? तो मैं जहां बंद करके रखा था वो जगह जानती हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ। मूव। हाय सर। बैठ जाओ। तुम लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं सर। तुम भी मत आओ, यहीं रहो। जरा पेन देंगे क्या? थैंक यू। थैंक यू सर। मामी, एक जरूरी मीटिंग में हूँ। ये देखो, इनको कितना भी समझाओ तो भी नहीं सुन। अब बात करो। हेलो हेलो हेलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। अब तुझे बाइक चलाते हुए बात करते देखा तो तेरे कान को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। चल। सुबह स्टेशन में आकर कंप्लेंट देने वाला लड़का लगता है, लेकिन ये भागते हुए कहाँ जा रहा है? गोली
सिग्नल पर जाती है मेरी बोली। मेरी ये जुबान विकी मार्टिन की मैं फैन हूँ, मेरी इस अदा पर फिदा है दुनिया, ऋतिक रोशन की मैं फ्रेंड हूँ, क्यों देखे है इस तरह, क्यों सोचे है इस तरह, मुझको तू बना ले रानी, हूँ तेरी धड़कन की तरह, तू है शाहरुख से बढ़कर, तू सचिन से भी बेहतर, कोई तेरा नहीं है सानी, माइकल जैक्सन से तू बढ़कर। डॉक्टर है ना, इसलिए ऑपरेशन करके भाग गई। उठ रहे? तेरे भरोसे पर छोड़ के गया था, फिर कैसे भाग गई? कैसे भाग गई बता, कैसे भाग गई बता रे। किसने तुझे किडनैप किया था? इसने या फिर इसने? ये नहीं, ये मेरे हस्बैंड है सर, इन लोगों ने हमें बंद करके रखा था यहाँ पे सर, इसका कारण यही है, इसलिए इसे पहले अरेस्ट करो सर, यही है वो, यही है ये। इसने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, अगर मैं होता तो सीधा गोली मार कर टपका देता। डरोने में हूं ना। इसने मेरे पास आके कंप्लेन किया, इसलिए हम बच गए। अगर ये कमिश्नर के पास गई होती तो? मैं दूसरे ऑपरेशन में था और ये इसका ऑपरेशन करके भाग गया। ठीक है, वो कैमरा लेके भाग गया, उसको पकड़ा क्या? चेज किया था, वो भाग गया, लगता है वो हमें चेज कर गया। फोन फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कैमरा बोल रहा हूँ। कैमरा बोल रहा है? कौन सा कैमरा बोल रहा है? वही कैमरा वाला है। ए सर्कस, तुम एक छोटी सी कैसेट से फंस गए हो, अगर टीवी पर दिखा दिया ना तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। रुको, तुझे क्या चाहिए? तुझे जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। भिखारी कहीं के, तेरे पैसे तेरे पास रख, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उस डॉक्टर फैमिली को सही सलामत वहाँ से जाने दे और आके अपना कैसेट लेके जा। हाँ नहीं बता, अकेले में आके तेरे हाथों फंस जाऊँ उतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझ गया? स्पेंसर्स प्लाजा में ज्यादा पब्लिक होती है, मैं वहीं आ रहा हूँ। हेलो, चलो। कोई भी रूट क्लियर नहीं है, सब लॉक हो रहा है।
पर। किसने भेजा था? लगी है, खाना खाते खाते बात करें क्या? ए सरकस, सुबह सुबह क्या तमाशा दिखा दिया भाई। अगर तू मेरे हत्थे चढ़ता तो सिर्फ मार खाता, लेकिन तू तो मेरे भाई के हत्थे चढ़ा। वो तो मुझसे भी ज्यादा डेंजर है। चल बता कैसेट कहाँ है, बता वो कैसेट कहाँ है। यहाँ पर सब तुमसे नाराज है, जानते हो क्यों? इन सबको काम किए हुए बहुत दिन हो गए, अगर इनको गुस्सा आ गया तो किसी की नहीं सुनते, मार देते हैं। तू जिस परिवार को बचाना चाहता है ना, हाँ उस परिवार को बचाने के लिए जो कैमरा रखा है ना, वो कैसेट दे। हाँ दे दे, दे, दे। शक्ति, तुमने हमें बचाने के लिए बहुत कुछ झेला है, बहुत तकलीफ से ये लोग जो मांगते हैं दे दो इन्हें। चुप रहो, शक्ति नहीं देना इन्हें, अगर दे दिया इसे तो बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मत देना। क्यों? तुम नहीं जानती संध्या। सवाल तुझसे पूछता हूं तो जवाब वहां से आता है। इनको बचाने के लिए तुमने बहुत तकलीफ उठाई है, वो तेरी रखेल है क्या? चुप बास्टर्ड। नहीं, 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 नहीं। सेंटीमेंट। लेकिन ये किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। बता कैसेट कहाँ रखा है? बता बताता हूँ, बताता हूँ।
घाट खोलो। हाँ? पॉकेट में है। पॉकेट में। पॉकेट में, तेरे पॉकेट में कि मेरे पॉकेट में। गुरु नाम का एक इंस्पेक्टर है, उसने डिपार्टमेंट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम कमाया। उसकी ओर से हमें तकलीफ हो सकती है, वो हमारे काम में बार बार टांग अड़ाता है। मैंने अपने आदमी को बोल दिया है, उसे खत्म कर देगा। यू डोंट वरी। मेरी बात तो डोंट वरी। पहले वो कैसेट हाथ में आने दो, कैसेट आने दो। ओके बैठो। हाथ हटा कमीने, मैं आ रहा हूं ना। अंदर क्या हो रहा है आप जानते हैं? छोटी छोटी बच्चों के साथ पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सब जानता हूँ। अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर कुछ भी करो, बाकी मैं संभालूंगा। इंस्पेक्टर गुरु अपने बंगले के अंदर घुस गया सर। गोली चलाते वक्त निशाना चूक जाता है, लेकिन मारते वक्त अभी नहीं चूकता। क्या सोच रहे? वो जो गुरु है ना, खतरनाक आदमी है। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाएगा नहीं जानता था। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही तो मैं हूँ। देखो, कोई भी विटनेस बचना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है भैया।
मैं तुम सब लोगों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, चलो मेरे साथ। ए, कौन है तू? चाकू घुसेड़ दूंगी। ए, तुम सब बैठो रे। क्यों रे? तू इन सबको लेके बाहर जाएगा? लेके दिखा, दिखा। तुम लोग डरो मत, चलो 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 जल्दी निकलो यहाँ से। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग यहाँ से बच के निकलो, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। आ रहा हूँ। जल्दी करो। तुम दोनों इस कमरे में रुको। यहाँ रुको, कुछ नहीं होगा। सर, ऊपर किसी को बांध कर रखा है क्या? आप देख लो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। Come on.
कहां पर मारूंगा तो तू आएगा ये मैं जानता हूँ। तू इन सबको बचाने के लिए आया था ना, अब मैं इसे मार दूंगा। मैं भी तो देखूं कि तू इन्हें कैसे बचाएगा। चला आजा आजा। ए चुप रह। ए जूनियर, मैं सीनियर हूँ ना। मुझे जाने दो। तू गन से खेलता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मत खेल। गन नीचे रख। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप सरेंडर कर दो। तूने गन को नीचे रख दिया? मैं बेवकूफ हूँ क्या? तू हाथ से नहीं पैरों से भी गोली चला सकता है। गन इधर फेंक, चल फेंक, नहीं तो गोली मार दूंगा। जा, जा। गुरु वेलकम। तू शिकारी कुत्ता है तो मैं पागल कुत्ता हूँ। एसी डीसी सब यही चाह रहे हैं कि तू उसको गोली से मारेगा या तू मेरे गोली से मारेगा, बता। जान हथेली पर रखकर हमें बचाया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। सर को गोली लगी हुई है, पहले इनका इलाज कराइए। जाइए सर। थैंक शक्ति। कोई बात नहीं सर। नमस्कार। थैंक यू अंकल। ओके बेटा। थैंक यू शक्ति। सर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी मिले हुए थे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तुम जिनके बारे में पूछ रहे हो उन पुलिस वालों की लाशें तुम्हारे सामने पड़ी हैं। वो बात नहीं है सर, हम पूछ रहे थे। सर आमतौर पर सब खत्म होने के बाद पुलिस आती है, लेकिन आप यहाँ पहले कैसे आ गए? इस साल में कितने इनकाउंटर्स हुए? ये तुम लोग काउंट करते हो, मैं क्या हुआ था वो देखता हूँ। आपने अभी तक गुंडे और माफिया गैंग का इनकाउंटर किया है, लेकिन अभी आपने अपने ही सीनियर ऑफिसर का इनकाउंटर कर दिया है। गलती करने वाला सीनियर हो या फिर सिटीजन, मेरी बंदूक के लिए सब बराबर है। सर आपको शूटिंग का ऑर्डर देने वाले कौन थे, कलेक्टर या कमिश्नर? ये खबर किसने चैनल को दी थी? मैंने दी थी। मैंने दी थी सर। तो तुमको हमें देना चाहिए। सर अगर मैंने आपको दिया होता तो सिर्फ डिस्कशन होता, पब्लिक के लिए डिसीजन चाहिए था, इसलिए मैंने उन्हें दिया था। ये ओरिजिनल है, मैंने उन्हें डुप्लीकेट दिया था। एविडेंस ओके है, फिर भी ये डिपार्टमेंट का मामला है। नो, ये पब्लिक का मामला है। इन्होंने बहुत बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी नजरों में उनको मैंने जो सजा दी वो बिल्कुल सही है। अगर ये गलत है ऐसा डिपार्टमेंट सोचता है तो डिपार्टमेंट मुझे कोई भी सजा दे सकता है।
सरकार ने आपको बंदूक दी है, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं दी है, हमारी सुरक्षा के लिए दी है। हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये आती है हमारे साथ और हम इनके साथ हैं। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। पुलिस हो तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड इन्वेस्टमेंट इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर चले गए लेकिन तुम ही जीते। हमारे सपोर्ट की तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों का सपोर्ट तुझे है। कीप इट अप।